प्लीज नो मोर भाई। सच बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं था, क्योंकि यार मैं ना उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मैं ये सब वीडियो बनाऊँ। बट गाइज यार, मुझे ये मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ना गलत चीज़ें फैला रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मैं भी उस राइड पे था एंड हम सब ने प्लान करके उनको उनका जान ले लिया, उनका एक्सीडेंट करवाया। भाई क्यों करवाऊंगा। गाइज यार आज है 4th of May एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों ने तो जाहिर भाई एंड अमीर भाई का वीडियो देख ही लिया है। मेरे ख्याल से यार गाइज इन लोगों का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो चुका है, बट फिर भी मैं भी कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ जो चीजें मेरे ख्याल से मुझे बोलना चाहिए। कुछ लोग ना नेगेटिव बातें फैला रहा है कि भाई मैं, जाहिर, आमिर एंड सूरज ये लोग मिलके भाई इनका एक्सीडेंट करवाया। देखो पहली बात तो है मैं सीन में था ही नहीं, मैं राइड पे गया ही नहीं था, वो तो सबको मालूम चली गया अभी तक। फिर भी कुछ यूट्यूबर्स फेम के लिए ना बस थंबनेल लगा रहे, उल्टा सीधा चीजें लिख रहा है, मत करो यार ऐसा। देखो यार जो चला गया ना भाई उसका फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा है, आपके यूट्यूब का वीडियोस उन लोगों के फैमिली के ऊपर क्या असर फैलाएगा, कोई सोचा ये सब चीजें? जब खुद का फैमिली में ये सब चीजें होगा ना तब तुम लोगों को समझ में आएगा। एंड बाकी रहा कि गाइज यार न्यूज वाले तो भाई क्या ही बोले, दिल्ली में कुछ न्यूज़पेपर में भाई छप गया कि 300 मारते हुए बंदे का क्रैश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था गाइज। अगर आप लोग प्रो राइडर का बाइक को देखोगे तो एज सच कुछ डैमेज हुआ नहीं था उसका सुपर बाइक में, बस राइट साइड का फेयरिंग्स वगैरह सिर्फ घिस गया था। बट गाइज अगर ये 300 का स्पीड में या तो फिर अगर 200 का स्पीड में भी अगर ये क्रैश करता ना बाइक, तो बाइक का कुछ भी नहीं रहता, बाइक का पूरा धजिया उड़ जाता भाई। सच बता रहा हूँ, इतना नॉलेज है मेरे पास, मैं ऑलमोस्ट 3 साल से सुपर बाइक चला रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट देखा है सुपर बाइक का, एंड ना ही तो इसने कोई सीधा सीधा टक्कर मारा है किसी चीज में। मेरे ख्याल से गाइस यार जेवर का जो रोड है ना वो बहुत ही ज्यादा बम्पी था, एंड इसी वजह से बाइक डिसबैलेंस हुआ एंड वो गिर गया, और कोई रीजन नहीं लगता है मुझे। एंड मैं ना जेवर पे पहले भी राइड कर चुका हूँ एंड मुझे पता है कि उस रोड पे ना बहुत ज्यादा बम्पी है। अब दिल्ली में कोई भी राइडर्स को पूछ लो, आप लोगों को मालूम चल जाएगा। एंड गाइस दूसरा ये बात है कि भाई 2021 का जो ज़ेलेस्टर है उसमें ना बहुत ही ज्यादा टैंक स्लैपर होता है, मतलब कि जो स्टीयरिंग डैम्पर रहता है ना वो सीधे काम नहीं करता है, एंड हैंडल हाई स्पीड में ना मतलब थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता है। अब हाई स्पीड का मतलब ये नहीं कि भाई 200 में चलाओ 300 में चलाओ, वो 100-120 पे भी भाई टैंक स्लैपर हो सकता है। तो जो सिचुएशन था, जो चीज़ें हम लोगों ने देखा था ना बाइक को एंड उसका बॉडी को, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ज़्यादा स्पीड में था, 100-120 पे गिरा रहेगा। तो देखो यार फालतू का चीज़ें मत बोला करो कि 300 के स्पीड मारते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया है। इधर और एक बात कहना था आप लोगों से कि मैंने एक पिक्स देखा, उसका जो रिम था वो रिम ना पूरा फट चुका था राइट साइड से, तो जो रियर रिम था, तो भाई यार मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ एंड उसका रिम कैसे फट गया इतना। एंड उसका जो मतलब बॉडी हम लोगों ने देखा था, जो उसका हेड का पोर्शन में ही खरोच आया था और उसका सारा बॉडी में कहीं भी खरोच नहीं आया था भाई, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली उसका दीदी बता रहा था कि ये हिट एंड रन का ही केस है, तो गाइस यार आई होप कि उसको जस्टिस मिलेगा एंड जो उसके साथ हुआ है उसका पता हम सब लोग को मिलेगा। वो पहना था एक MT का हेलमेट एंड उस हेलमेट का ना स्ट्रैप्स वगैरह सही नहीं था, एंड वो हाई स्पीड में जब चल रहा था वो उसका जो वाइजर था हेलमेट का वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हिलता था, क्योंकि यार वो हम लोगों के साथ जब लास्ट टाइम राइड किया था सोना रोड पे तभी उसने ये चीज़ें बताया था कि सैमी भाई पता है ये ना 150 के ऊपर जाते ही ना बहुत ज़्यादा वो वाइजर हिलने लगता है और उसका जो हेलमेट है ना वो ऐसा ऐसा कांपने लगता है। तो जैसा लग रहा है ना कि जैसे ही डिसबैलेंस हुआ बाइक एंड उसके बाद जैसे ही भाई गिरा रोड पे उसका हेलमेट सर से निकल गया, क्योंकि उसका स्ट्रैप ना सही से लग नहीं रहा था, स्ट्रैप निकल गया। तो अब देखो जो चीज़ें हुआ है हो गया है, स्प्रे करो कि भाई यार उसको आत्मा को शांति मिले। उनके घर वालों से हम लोगों का बातचीत चल रहा है, उसके बैग अभी भी हम लोगों के पास है, तो उसके पापा से आज बातचीत हुआ, तो ये बैग हम लोग शायद से कल तक उनको कुरियर करके उनके एड्रेस पे भेज देंगे। एंड गाइस ऊपर से कल रात से ना एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है पूरा इंडिया में, 2 मिनट 51 सेकंड्स का वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है एंड उसमें भाई क्लियरली आमिर भाई के अगेंस्ट में बताया जा रहा है कि आमिर भाई ने उसको ओवरटेक मारा, टक्कर हुआ एंड उसके बाद गिर गया। मुझे नहीं लगता है कि भाई यार उसने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि यार उसके साथ उसका अच्छा बॉन्डिंग था, जैसे मेरे साथ भी है, जाहिर भाई के साथ भी है। ये सब नेगेटिव चीज़ें ना मत फैला करो, क्योंकि यार
हमें भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है कि वो कैसे गिरा। एंड गाइस सच बता रहा हूँ, मुझे ना अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जो YamaHR1 का डिलीवरी का वीडियो था वो कैसे एडिट करूँगा, क्योंकि यार उसमें हर टाइम अगस्ता भाई था, तो जब भी उसका फेस देखूंगा मुझे यार उसको बहुत याद आएगा भाई। वो हमारा भाई था, आज भी है एंड फॉरएवर अपने दिल पे रहेगा। आगे वीडियो में हम एक टॉल प्लाजा के पास पहुंचने वाले हैं। ये जो टॉल प्लाजा था, इस टॉल प्लाजा से 5 किलोमीटर के आगे जाके यू टर्न के बाद जो है अगस्ता का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारे रीजंस जो है लोग बता रहे हैं, ओवर स्पीडिंग था भाई, 300 मार रहा था भाई, कोई 300 नहीं मार रहा था। मेरे पूरे रास्ते में कहीं पे भी मीटर 300 नहीं चढ़ा है। हम सारे रास्ते मजाक कर रहे थे भाई, 325 मारेंगे, 350 मारेंगे। अगस्ता भी कह रहा था कि मैं 400 मारूंगा। उस दिन बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट था, एक्सीडेंट जो था मेरे पीछे हुआ, मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर अगस्ता से आगे चल रहा था। तो ये वाला टॉल जो था क्रॉस करने के बाद मैं और अगस्ता जो थे आगे निकल गए। मैं आगे जाके एक जगह पे रुक गया, अगस्ता भी आया मेरे साथ में आके रुक गया। वहां से एक्चुअली यू टर्न था, बट मैं और अगस्ता का था कि हम आगे राइड करेंगे भाई। अगस्ता को रिकॉर्ड करना था भाई, बिकॉज उसके वहां पे भी लंबे स्ट्रेच नहीं है। जो पीछे भाई थे वो भी आ नहीं रहे थे, तो हम वहां पे जाके रुक गए। वो जो टॉल से 5 किलोमीटर का जो रेंज थी, वहीं पे अगस्ता का एक्सीडेंट हुआ। न्यूज आर्टिकल्स वगैरह देख रहा था, लोग बोल रहे हैं कि भाई वो 299 मार रहा था, 300 प्लस चल रहा था भाई, नॉर्मल स्पीड में चल रहा था। मैंने खुद बाइक जाके भी देखा था, तो बाइक का जो बैक साइड का टायर था वो फट चुका था भाई। अगस्ता के सिस्टर के साथ भी बात हुई एंड टायर वगैरह ब्लास्ट होने के कारण जो है ये सारी दुर्घटना हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सारी चीजें कि हिट एंड रन का केस तो नहीं है। आमिर भाई, तुम्हारी बाइक जाके टकराई है, मैं मेरी बाइक जाके आपको नीचे दिखाता हूँ। टॉल से निकले, यू टर्न मार के दोबारा ऑपोजिट साइड में टॉल आया, मैंने वो टॉल क्रॉस कर लिया था। मैं अगस्ता का वेट कर रहा था, मैंने सोचा या तो गोप्रो की बैटरी चेंज कर रहा है। जब मैंने कॉल किया तो वहां से आके कि एक्सीडेंट हो चुका है भाई, आपके भाई का, तो मैंने ना आगे कॉल किया, मैंने कहा दादा एक्सीडेंट हो गया है, सारे के सारे यू टर्न मारो। वहां से मैंने सीधा स्ट्रेच मारा 35 किलोमीटर का, 35 किलोमीटर में हमें दादा भी मिल गया। बाइक वहीं लगा दी, गाड़ी में यू टर्न मार के वहां पे सिर्फ अगस्ता की बाइक थी। एट द प्रेजेंट भाई मैं वहां पे था, मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। निकाल दो खतरनाक था भाई। क्यों रुके तो बताई, लास्ट राइड जो थी भाई, इसने अपनी सिस्टर के साथ 40 मिनट्स फोन पे बात की। उनको बोलता मेरे मेरा घर है दिल्ली में, हम दिल्ली में रहेंगे, यहाँ पे भाई रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी, हम सारी चीजें यहाँ करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, हम सारे यहीं पे रहेंगे। मैंने कोलकाता, मैंने कहा भाई कोलकाता की एक राइड करते हैं, सामी भाई साथ है, कोलकाता चलते हैं। कोलकाता राइड करने के बाद भाई हम सारे बंदे यहाँ पे रहेंगे, यहाँ राइड करें। कुछ बंदों ने भाई उसे बहुत इरिटेट करके लाया था, जो आज बहुत बड़े सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बने हैं एंड आज स्टोरी लगा रहे हैं। RIP ब्रो, ठीक है ना, ओम शांति भाई। वो बंदों ने ना बहुत तकलीफ दी थी भाई इस बंदे को। इसके प्रीवियस व्लॉग्स देखो, एक वीडियो भी वायरल हुआ था अगस्ता भाई का, और लास्ट टाइम जब हम राइड गए तो भाई पुलिस के कितने सारे प्रॉब्लम्स थे। तो जो लोग हैं, जब इंसान ये दुनिया छोड़ के चले जाता है तभी वैल्यू इंसान की पता लगती है। अब बहुत सारे बंदे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे हैं भाई, और वो बेचारा जब जिंदा था उस टाइम पे भाई उसकी पैंट पकड़ के उसे लेके चले गए थे, तो वो चीज़ होती भाई न्यूज़ चैनल्स पे चला रहे थे लोग, तब कहाँ थे भाई सारे के सारे। को ये वीडियो शूट ही नहीं करना था, मेरे को सारे कॉल करके बोल रहे हैं भाई तेरे कारण एक्सीडेंट हुआ, तेरी बाइक से हिट हुआ भाई। तो ये वाला जो फ्रेंड था, ये मेरा आखिरी फ्रेंड था, इसके बाद मैं कोई फ्रेंड नहीं बनाऊंगा। ये दुनिया कैसी है मेरे को अच्छे से मालूम चल गया। मैं जब घर से निकला हूँ मेरा एक ही काम था, मेरी फैमिली को पालना, मेरे को उनके लिए कुछ करना है। सेम अगस्ता भी अपनी लाइफ में सारी चीजें खुद से खरीदना चाहता था, वो उसके पेरेंट्स जानते थे सारी चीजें, मेरी पेरेंट्स से बात हुई। तो ये कुछ गोल्डन मेमोरीज जो थी ये मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी। एंड सारे के सारे दुआ करो भाई, मेरे को भाई पिछले लास्ट 1 ईयर से ना परेशान किया जा रहा, बट मैंने आज तक कभी किसी के रिप्लाई में कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, बट ये बंदा मेरे 3-2-3 दिन में
मैं दो दिन दिन रात इसके साथ बैठ के वीडियो एडिटिंग, नेक्स्ट डे वीडियो एडिटिंग, नेक्स्ट डे वीडियो, रात को एडिटिंग, दिन को व्लॉग। हम एक घंटा भी नहीं सोए लास्ट दो दिन। बहुत गोल्डन मेमोरीज थी मेरे लिए कि मैं भाई इनके इस बंदे के साथ, अपने भाई के साथ दो दिन बातें की। वो जो बंदे हैं जो फालतू की वीडियो बना रहे हैं, प्लीज उनके पेरेंट्स के सामने आ रहे हैं, बेफालतू के वीडियोस मत बनाओ, उनके पेरेंट्स के सामने आ रहे हैं, फोटोज वगैरह सर्कुलेट मत करो। लोग इतने अंधे हो गए व्यूज के चक्कर में कि भाई फोटोज ना थंबनेल में डाल रहे हैं। मेरे जम्मू के कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर भाई जो ना भाई व्यूज के ना भीख मांगते फिर रहे होते हैं, आज वो मेरे को कॉल कर रहे थे भाई सारे के सारे, क्या हुआ रिकॉर्डिंग करके डालनी जो थी कि क्या हुआ है, आज से पहले तो आमिर माजिद याद नहीं आया एंड प्रो राइटर 1000 याद नहीं आया, उत्तराखंड से किसी को स्टोरी में प्रो 1000 राइटर याद नहीं आया। वो बंदा कितना परेशान था, मेरे को पता था क्या क्या प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, मेरे को पता था। कंटेंट के लिए काम कर रहा था बिकॉज इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है ना। हम दोनों सेम एज के थे, वो भी 22 में एंटर कर रहा था। फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा था कि कोई लॉयल दोस्त जिसके साथ हो। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੂੰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।